नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आपके माता पिता, इष्ट गुरुदेव, भगवान, सभी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज मैं आपको धर्मराज जी की कथा सुनाऊंगी। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल भक्ति खबर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो मैं इसकी कथा बताती हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आए तो यमदूत बोले, हे माई, तुमने गायों को दान किया था। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया माँ उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना खिलाया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उनके सिर में चोंच मारना शुरू कर दिया। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारना बंद कर दिया। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आ गए। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इनके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बेटे बहू ने भी दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत करूंगी और उनका अध्यापन भी करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों को सुनकर उनके बेटे बहू ने सारी पूजा की सामग्री एकत्रित कर दी। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुकारा नहीं भरते थे, जिसे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुकारा भरती है। 7 दिन की पूजा, व्रत और उद्यापन के बाद जब धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं, स्वर्ग का विमान देखकर उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, उसी ने हुकारा भरा है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने की विनती करते हैं, मतलब आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनाने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज जी ग्राम वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे देते हैं। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी स्वर्ग में जगह देना। कहानी सुनकर हुकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज जी महाराज की जय हो। धन्यवाद।